गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को थैंक्स यार इतने सारे कमेंट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी मलेशिया पे, उस वीडियो पे इतने सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई आपने उस वीडियो में बेसिकली कई सारे जॉब्स बताए जो कि आप 10th और 12th के बाद मलेशिया में कर सकते हो। उनमें से आपने बेसिकली ड्राइवर के वर्क के बारे में बताया था, थोड़ा इस पर डिटेल चीजें बताओ, कितनी सैलरी मिल जाती है ड्राइवर जॉब पे मलेशिया में, क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है ड्राइविंग वर्क करने के लिए हमको मलेशिया में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बताऊंगा। एज ए ड्राइवर, अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या फिर किसी टाइप के भी ड्राइवर हो, तो सारे लोगों के लिए वीडियो है, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले मैं रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मेडिकल परफेक्ट हो, क्योंकि ड्राइविंग वर्क में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोना के बाद से थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपने मेडिकल पर जितना फिजिकली फिटनेस काफी जरूरी है, ठीक है। तो आप किसी भी ऑथोराइज क्लिनिक या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवाते हो तो उसमें कमी कोई ना हो, कोई बीमारी ना हो, क्योंकि पैसे काफी लगते हैं मेडिकल करवाने में, तो जितना हो सके पहले से दिखा करके ठीक कर लो, ठीक है। सेकंड चीज है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस दो तरीकों से ले सकते हो, पहले ड्राइविंग स्कूल होते हैं, दूसरा प्राइवेट इंस्ट्रक्टर होते हैं, दोनों के दोनों फीस लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ड्राइविंग स्कूल से आपको कम समय में अच्छे ट्रेनिंग के साथ आपको लाइसेंस मिल जाती है, प्राइवेट इंस्ट्रक्टर टाइम ज़्यादा लेते हैं और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन नहीं करो, आप अपने इंडियन लाइसेंस को आप इंटरनेशनली कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। देखो इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप मिनिमम 10th और 12th पास हो तो आराम से कर सकते हो ये काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेशर के तौर पर भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पे काफी ज्यादा ध्यान देना है, बातचीत करने के तरीके, इंग्लिश थोड़ा कंपलसरी नहीं है बट समझ में आना चाहिए, इतना तक इंग्लिश आपको आए, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये काम बेसिकली आप वर्क वीजा पे भी कर सकते हो, मोस्टली वर्क वीजा पे ही करना, विजिट वीजा स्टूडेंट वीजा पे मिलना मुश्किल होता है, ये चीज ध्यान देना। वर्क वीजा के लिए हो सके अप्लाई करो, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। आइडेंटिटी के तौर पे आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा जो जरूरत पड़ती है इसको परफेक्ट रखना। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी कॉपीज है, जो भी डिटेल्स हैं, आपकी कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड खराब ना हो, कोई केस क्राइम ना हो, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो रेंज मिलती है वो लगभग 1500 से लेकर 2500 मलेशिया रेंटिंग आपको पर मंथ मिल जाती है, डिपेंड करता है आप किस तरह के ड्राइवर हो। इस पर काफ़ी टिप है, ट्रक ड्राइवर की काफ़ी अर्निंग होती है, टिप पे भी काफ़ी पैसे मिलते हैं, ठीक है। ड्राइविंग के डिपेंड करता है आप कितने घंटे काम करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज मैंने इतने बता दिए। हैव अ नाइस डे, कोई भी डाउट हो कमेंट करो, बाय बाय।